This is Mukesh Kumar, and today we are going to discuss in lecture number 5 of Principles of Management, the contribution of management thinker. So there are various management thinkers who gave their ideas about the management. So first of all, we will discuss about the first management thinker, which was Kautilya. So in this class, we will discuss about Kautilya's management skills and his theories about the management, why he is known as the father of management. So this is the contributions of management thinker Kautilya. Arthashastra, the treatise on economics administration, was written by Kautilya in the 4th century before Christ. अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो कि इकोनॉमिक्स के मैनेजमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर 4th सेंचुरी क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट, लिखा गया था. नाउ वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, और आज की 21st सेंचुरी से भी 4 सेंचुरी पहले अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने, जिसके अंदर 15 चैप्टर थे, 380 श्लोक थे और 4968 सूत्र थे. इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस ट्रेटीज इज द फर्स्ट एवर बुक रिटन ऑन प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. आज तक के इतिहास में ये एक पहला ऐसा ग्रंथ है जो कि मैनेजमेंट के बारे में लिखा गया था. इट इज इसेंशियली ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नेंस एंड हैज एन इंस्ट्रक्शनल टोन. इसके अंदर एक गवर्नेंस की, मतलब कैसे आपको एक राज्य चलाना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे आपकी काम करेगी, उसके बारे में लिखा गया था. और जो इसमें बातें लिखी गई थी उनकी अगर हम टोन देखते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन टोन में लिखा है कि आपको ये काम इस तरह से करना चाहिए. तो वो एक इसका मेथड है कि आपको किस तरह से इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो सकता है. कौटिल्य ने ये बुक अपने स्वामी, जो कि राजा थे उस टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके लिए लिखी थी. एंड स्टेटेड इन इट्स प्रीफेस दैट इट हैज बीन रिटन एज ए गाइड फॉर दोज हु गवर्न. और प्रीफेस में उन्होंने ये लिखा है कि ये गाइड उनके लिए लिखी गई है जो कि राज्य या राज करते हैं. Kautilya was interested in establishment and operation of the machinery through which the king preserves the integrity and solidity of the state and generates power. Kautilya हमेशा से इन चीजों के बारे में interested था कि कैसे अपने राज्य के लिए हम machineries हैं उनको use करें या उनको लगाएं, जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे अपने state के लिए हम खुद अपनी power है वो जनरेट कर पाए. तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंसी, हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े. तो उसकी मैनेजमेंट थिंकिंग थी कि हाँ ठीक है, अगर हम अपना खुद का डेवलपमेंट करते हैं, खुद का अपना प्रोडक्शन होगा, तो हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. और अगर हमारा राज्य दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता है तो हम एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर के आ सकते हैं. इट इज In observe that several concepts of present day management theories have been explicitly explained by Kautilya in his work. बहुत सारी जगह ये भी देखा गया है कि जो कौटिल्य ने अपने काम में लिखा था वही मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो आज के टाइम में यूज किए जाते हैं. As in the present day management, the importance of vision, mission and motivation was captured in the अर्थशास्त्र. आज के टाइम के जो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस हैं फैक्टर्स वो हैं विजन, मिशन या फिर मोटिवेशन. तो वो सारे के सारे अर्थशास्त्र से लिए गए. कौटिल्य ने अपने स्वामी को एडवाइस दिया था कि आप प्रभु शक्ति, प्रभु की शक्ति जो है, दैट मीन्स आप ध्यान में विश्वास करें, जो कि आज अपना विजन है. मंत्र शक्ति के ऊपर भरोसा रखें, जो कि आपका मिशन है. एंड उत्साह शक्ति, दैट मीन्स आपका मोटिवेशन, कि इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के अपना मैनेजमेंट है उनको आपको फॉलो करना है. तो उसने अपने
राजा को कहा था कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपना राज्य को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो दैट मीन्स आप अगर प्रभु शक्ति को ध्यान में रखेंगे, ईश्वर को हमेशा याद रखेंगे, मंत्र शक्ति है उनकी, ईश्वर ने जो आपको शक्तियां दी हैं उनको मंत्रों के थ्रू आप हमेशा अपने आप को मोटिवेशन करने में काम में लें। तो इस तरह से उसने अपने स्वामी को कहा था। ये तीनों चीजें वही चीजें आज हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ध्यान में रहते हैं और उन चीजों को हम यूज करते हैं कि हमारा एक विजन होना चाहिए, दैट मीन्स हम क्या देखते हैं, कैसे हम काम करते हैं। एक हमारा मिशन होना चाहिए जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके थ्रू हम काम करते हैं। और एक उत्साह शक्ति, दैट मीन्स मोटिवेशन हर किसी काम के लिए रिक्वायरमेंट होता है। विदाउट मोटिवेशन हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जो मोटिवेशन है, दैट मीन्स उन्होंने कहा था कि आप में एक उत्साह शक्ति हमेशा रखनी चाहिए। तो वही सारी चीजें जो मैनेजमेंट के लिए कौटिल्य ने उस टाइम दी है, वही आज का मैनेजमेंट भी यूज कर रहे हैं। कौटिल्यस कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए किंग सीम टू बी वर्चुअली अडॉप्टेड बाय पीटर ड्रकर इन हिज बुक मैनेजिंग फॉर रिजल्ट्स। जो उसके ऑब्जेक्टिव थे जो कि उसने अपने राजा के लिए लिखे थे, वही सारे के सारे पीटर ड्रकर जो कि मशहूर मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी बुक मैनेजिंग ऑफ फॉर रिजल्ट्स में यूज किए। ड्रकर प्रपोज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एज कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव एंड हाईलाइटेड द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एज मेकिंग प्रेजेंट बिजनेस इफेक्टिव। उन्होंने उन सारी चीज़ों को यूज़ किया कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव में और हाईलाइट किया है कि हाँ ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के काम में आती हैं। मेकिंग प्रेजेंट डे बिजनेस इफेक्टिव कि आज का दिन का जो मैनेजमेंट है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल एंड रियलाइजिंग इट, अपना कितना पोटेंशियल आपका है आपके मैनेजमेंट का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रियलाइज करने में। मेकिंग इट ए डिफरेंट बिजनेस फॉर ए डिफरेंट फ्यूचर, दैट मीन्स अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है जिसको आप अपने फ्यूचर के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप किसी दूसरे मेथड को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप दूसरा बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए आपके फ्यूचर के लिए। कौटिल्य रिमाइंड हिज स्वामी दैट हिज ऑब्जेक्टिव फॉर हिज रूल आर, और कौटिल्य ने अपने स्वामी को बताया था कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। तो दैट मीन्स वो थे एक्वायर पावर, कि आपके पास पावर होनी चाहिए, जो कि आपका बिजनेस है इफेक्टिव होता है। तो दैट मीन्स वहाँ उस टाइम क्या था कि आपके पास अगर पावर होगी तो आप अपना राज्य है वो इफेक्टिवली चला सकते हैं। तो दैट मीन्स आपका, अगर आप आज के सिनेरियो में देखते हैं, तो दैट मीन्स आपका बिजनेस है वो कितना इफेक्टिव है। कंसोलिडेटेड व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड, अब आपको ये भी देखना है कि आपने जो एक्वायर कर लिया, जो आपने पावर अचीव की है, उस पावर को आपको हमेशा थाम के भी रखना है। तो दैट मीन्स अगर आपने पावर लिए, जो आपके पास पावर अचीव हुई है, दैट मीन्स आपने अपने मैनेजमेंट में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली, उस पोजीशन के बाद आपको उसको मैनेज भी करना है। दैट मीन्स आपका बिजनेस है वो इफेक्टिवली स्टार्ट हुआ है तो उसको इफेक्टिवली मैनेज भी करना होता है। थर्ड उसने बताया एक्सपांड व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड, अब आपके पास अगर पावर है तो आप उसको और भी एक्सपांड कर सकते हो, कितनी भी उस पावर को आप बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड रियलाइज इट, अब आपको रियलाइज करना है कि आपका कितना पोटेंशियल है और कैसे आप उसको रियलाइज कर सकते हो, क्या आपका पोटेंशियल है और कितना आपका पोटेंशियल है, दोनों चीजों को आपको रियलाइज करना है। एंजॉय व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड, मेकिंग इट ए डिफरेंट बिजनेस फॉर ए डिफरेंट फ्यूचर, अब हमें उसका आनंद लेना है जो हमने यहाँ पे यूज किया था, जहाँ हमने मेहनत की थी, अपने एक्वायर किया था सारी चीजें, उन चीजों को यूज करके आप एक दूसरा अपने फ्यूचर के लिए कोई डिफरेंट मैनेजमेंट या डिफरेंट बिजनेस है वो वहां पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कौटिल्य वॉज अवेयर दैट फॉर एफिशियंट रनिंग ऑफ द स्टेट एलेबोरेट मशीनरी हैज टू बी एस्टेब्लिश। He is equally clear on the organizational aspect, human dimensions of an organization, as well as the leadership requirement of an organization. Kautilya हमेशा से अपने राज्य के लिए, अपने organization के लिए कि हाँ आपको हमेशा machineries हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा exposure देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज होनी चाहिए आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमेशा उस चीज़ के ऊपर उसने फोकस किया।
ह्यूमन डायमेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ जितने भी आपके ह्यूमन डायमेंशंस हैं, आप में जितनी एबिलिटीज हैं उनको यूज करना है, साथ में लीडरशिप रिक्वायरमेंट है वो बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट कौटिल्य इन्वॉल्व एन एलोबरेट हायरार्की अंडर द किंग। उसी के अंदर उसने ये कहा था कि आपको राजा के अंदर एक हायरार्की होनी चाहिए, दैट मीन्स आपको राजा से डायरेक्टली किसी को भी नहीं मिले, जो भी आपका काम है जो भी आपका सिस्टम है वो राजा के थ्रू कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, उनसे वो दूसरे बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो, इस तरह से वो एक सिस्टम बन जाए कि जहां से आपकी एक पावर अलग अलग पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। द किंग अपॉइंट्स अमात्य द प्राइम मिनिस्टर। अमात्य ऑपरेट्स द डे टू डे मशीनरीज ऑफ द स्टेट थ्रू ए काउंसिल ऑफ ऑफिशियल कंसिस्टिंग ऑफ मंत्री। तो उन्होंने जो अमात्य जो प्राइम मिनिस्टर है उनका उसको बनाया था, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने सारे ऑफिशियल से मीटिंग करके, जो कि आपके मंत्री थे, मिनिस्टर थे, सेनापति थे, एंड द वारलॉर्ड और द डिफेंस मिनिस्टर, पुरोहित, द चीफ जस्टिस एंड युवराज, द हेयर अपॉइंट और आइडेंटिफाइड सक्सेसर टू द थ्रोन। मतलब जो भी उनके राज्य के उत्तराधिकारी थे, राजकुमार थे, चीफ जस्टिस, पुरोहित या रक्षा मंत्री, सेनापति, बाकी मंत्री जितने भी थे उन सब से मिलके वो हमेशा डिसीजन लेते थे, अपने स्टेट के बारे में चर्चा करते थे, डे टू डे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस चीज के बारे में उनको जानकारी मिलती थी। कौटिल्य वाज अ डिजाइन ऑफ ए टॉल हायरार्की फॉर गवर्नेंस गोइंग डाउन टू द लेवल ऑफ विलेज थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ मंडल्स। और उसने, कौटिल्य ने एक ऐसी हायरार्की दी थी उस टाइम कि जो कि हमेशा एक बड़े सिस्टम से, एक राजा से लेके एक छोटे सिस्टम तक, एक गांव के मंडल तक उस हायरार्की को लेके जाता है, जिससे राजा का कंट्रोल डायरेक्टली ना होके बट इनडायरेक्टली राजा से लेके और एक गांव के मंडल तक हर एक पर्सन तक उसका कंट्रोल होता है। ग्राम पंचायत एंड पंचायती राज सेटअप दैट वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बी कंसिडर्ड एज ए लॉजिकल डेरिवेटिव ऑफ कौटिल्यास अटेम्प्ट टू ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू द लोवेस्ट अप्रोप्रिएट लेवल इन द मशीनरी ऑफ स्टेट। तो आज के टाइम में जो पंचायती राज और जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वो सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है वो कौटिल्य के ही मैनेजमेंट सिस्टम से लिया गया है, जो कि कौटिल्य ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था कि किस तरह से आपको लोवेस्ट अप्रोप्रिएट लेवल तक अपना सिस्टम है वो मैनेज करना चाहिए। इट इज इंडीड इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कौटिल्य हैविंग वोवन एन एलाबरेट ऑर्गेनाइजेशन मूव्स टू सेट अप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट इज बिजनेस प्रोसीजर। कौटिल्य के पास इतनी एबिलिटी थी कि उसने अपनी पॉलिसीज बनाई बिजनेस के अकॉर्डिंग कि आपको क्या यहाँ पे करना है और किस तरह से आपको करना है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स आज के टाइम की ऑर्गेनाइजेशन और उस टाइम का स्टेट, उनको दोनों को किस तरह से आपको चलाना है ताकि आपका सिस्टम है वो प्रॉपरली मैनेज रहे। अर्थशास्त्र हैज डिटेल्ड पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी। अर्थशास्त्र में अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई हैं सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के लिए, लेबर के लिए, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए, क्लेमिटीज एंड कंट्रोल ऑफ वाइसेज, और भी सारी जितनी भी पॉलिसीज हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन सब के लिए। एट दिस स्टेज ही सॉज द डेप्थ ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, नेमली द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे उसने मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज जो था उसका, उसके बारे में बताया था। ही ऑब्जर्व दैट द स्टेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो राज्य था उसका, उसने उसको ऑर्गेनाइजेशन बताया, इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद इकोनॉमिक एम। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशली वर्क करती है बट उसका एम रहता है इकोनॉमिकली अपनी ग्रोथ करना। हेयर अगेन पीटर ड्रकर एंड कौटिल्य गो हैंड इन हैंड एज ड्रकर डिफाइन एज an organization as having social dimension and economic objective. तो जैसे कि उसने कहा था कि social organization with economic aim, ऐसे ही पीटर ड्रकर ने कहा social dimension and economic objective. That means dimension ही उसकी सी social है और objective है वही उसका economic है। तो same thing जो कि कौटिल्य ने कही थी वही thing है वो पीटर ड्रकर ने भी कही।
Kautilya at this stage reminds his Swami that sound knowledge of complex human nature is essential in effective, efficient and honest running of the state machinery. उसने कहा था कि आपको हर एक पर्सन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज अगर है, दैट मीन्स अगर आप किसी भी इंसान के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में अच्छे से समझते हैं, तो वो आपकी इफेक्टिव, एफिशिएंट और ऑनेस्ट रनिंग ऑफ स्टेट मशीनरी में बहुत काम आता है कि आप किस तरह से अपना स्टेट है वो अच्छे से प्रॉपरली चला पाते हैं. ही वन ऑफ टू अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स ऑफ ह्यूमन नेचर, प्रमाद मीनिंग एक्सेस एंड आलस्य मीनिंग इनएक्टिविटी. दैट मीन्स कि आप में कोई भी आलस्य नहीं होना चाहिए. To be watched for and avoided, जो कि मतलब बहुत ज्यादा और इतना आलस ना हो कि कोई भी काम को आप देखो और छोड़ दो. This is where, according to Kautilya, the leadership counts. तो ये वो चीज है जहां से आपकी लीडरशिप स्टार्ट होती है. The essence of leadership, he stresses, lies in its acceptance by the subject. He therefore advises the Swami never to forget the two pillars of the art of governance. हमेशा अपने राज्य के लिए दो पिलर हैं, उनको कभी नहीं भूलना. ये उसने हमेशा अपने स्वामी को बताया, जो कि थे आपके न्याय, द जस्टिस एंड धर्म, द एथिक्स, कि आप हमेशा अपने साथ न्याय को और धर्म को फॉलो करेंगे. दैट मीन्स आप में एथिक्स होना चाहिए और आप में यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए. धर्म है तो वहां पे आप हमेशा हर एक चीज की पालना करेंगे जो कि ह्यूमन वैल्यूज होती है, जो कि ह्यूमन एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, तो उनका आप हमेशा पालन करेंगे. आपके यहाँ पे न्याय होना चाहिए, यानी कि हर एक इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए. ही आल्सो डिस्क्राइब्स ऑटोक्रेटिक बिहेवियर एज ए लीडर इज विजिबल एंड पीपल फॉलो द लीडर. उसने हमेशा बताया कि लीडर का जो बिहेवियर है वो बहुत क्लियर होना चाहिए और उसी को दूसरे लोग हैं, बाकी जनता है, वो उसको फॉलो करती है. हेंस ही एडवाइजेस द स्वामी टू इंट्रोस्पेक्ट, टू आइडेंटिफाई हिज आत्मदोष डेफिशिएंसीज, टू इम्प्रूव और डेवलप हिमसेल्फ. तो उसने अपने स्वामी को बताया कि आप अपने आत्मदोष जो हैं, खुद में आपको जो भी दोष दिखाई देते हैं, उन दोषों को आप दूर कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. He further advises his Swami to study deficiencies of his cabinet members and take steps to improve upon them. उन्होंने अपने स्वामी को बताया कि आपको अपने दोस्त दूर करने के साथ साथ अपने जितने भी मेंबर्स हैं आपके कैबिनेट के, उन सब में भी आपको जितनी कमियां दिखाई देती हैं, उन कमियों को आपको देखना है और उन्हें जैसे भी हो सकता है उन्हें इम्प्रूव करवाना है, उन्हें दूर करना है. He said that mantris could be इनकम्पिटेंट, सेनापति कुड बी ओवर एम्बिशियस, जिसमें जो भी कमियां हो सकती थी उसने उनके बारे में बताया कि आपके इन मंत्रियों में जैसे इनकम्पिटेंट हो सकते हैं, सेनापति है वो ज्यादा एम्बिशियस हो सकता है, पुरोहित है वो हो सकता है कि डे बाई डे जो प्रैक्टिस है या ट्रेडिशंस हैं उनको वो नहीं फॉलो कर सकता है, जो कि आपके लॉ और जस्टिस को मानते हैं. Which might lead to injustice, जिनकी वजह से आपका अन्याय हो सकता है. As regards युवराज, he advises specific training to prepare him for the eventual succession. साथ ही उसने कहा कि आप युवराज हैं, उनको आने वाले टाइम के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी दें ताकि वो अपने सिचुएशन से उनको अच्छे से मैनेज कर पाए. He states that the युवराज should be trained in the three specific area. तीन अलग अलग एरिया में युवराज को स्पेसिफिक एडवांस होना चाहिए या युवराज को ट्रेंड होना चाहिए, वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, नीति शास्त्र, फॉरेन अफेयर्स एंड दंड नीति, पॉलिटिकल साइंस. तो दैट मीन्स अगर तीनों इनमें एडमिनिस्ट्रेशन में अगर युवराज एडवांस होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो वो अपना राज्य बहुत अच्छे से चला सकते हैं. तो इन तीनों के लिए उसे नॉलेज मिलना चाहिए और उसे एडवांस ट्रेंड होना चाहिए. Kautilya seems to have given a lot of thought to human resource development for the government machinery. He is specific about the qualities mantris must possess. उसने हमेशा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डेवलपमेंट है
उसके लिए भी उसने हमेशा बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। उसने हमेशा से कहा कि आपके जितने भी मंत्री हैं वो उनकी क्वालिटीज हमेशा अच्छी होनी चाहिए और पॉलिसीज हैं उनकी हमेशा वो बहुत यूजफुल होनी चाहिए सभी के लिए। ही राइट अबाउट दीज क्वालिटीज एज क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर अपॉइंटेड एज ए मंत्री। तो उसने जो मंत्री के लिए क्वालिफिकेशंस हैं या फिर क्वालिटीज हैं उनके बारे में भी लिखा कि कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक मंत्री के लिए जिनको आप अपने साथ रखने वाले हैं। दीज क्वालिटीज आर दृढ़ चित्त, दैट मीन्स पावर ऑफ कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन की पावर होनी चाहिए जो कि मतलब किसी भी चीज को अच्छे से सोच और समझ सकता है। सिलावन करेक्टर उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रज्ञ थिंकिंग कैपेबिलिटी, प्रज्ञान, दैट मीन्स वो आराम से सोच सकता हो, उसमें मेंटल एबिलिटी हो कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो निकाल सके। वांगमी दैट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल, वो हर किसी से बात कर सके अच्छे से, उसको अपनी बात एक्सप्लेन कर सके। एंड दक्ष, ऑब्जर्वेशन और विजिलेंस, वो हर एक चीज में दक्ष होना चाहिए, उसको हर एक चीज देखनी आनी चाहिए और उसको ऑब्जर्व करना समझ में आना चाहिए। इन एडिशन ही हाईलाइट द कॉम्पिटेंसीज दैट ए मंत्री मस्ट पॉजेस। दीज कॉम्पिटेंसीज आर द सेम एज द कॉम्पिटेंसी एडवोकेटेड बाय द मैनेजमेंट गुरुज ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स, नेमली नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। उसने भी यही बताया जो आज के मैनेजमेंट गुरु कहते हैं कि आपके साथ आपका नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए आप में, और आपका एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिवली एटीट्यूड होना चाहिए आपके वर्क के रिगार्डिंग। तो वो सारी एडिशनल क्वालिटीज हैं वो भी उसने अपने मंत्री के लिए बताई थी। कौटिल्यास नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इज रियली आउटस्टैंडिंग। एडवाइज हिज स्वामी अबाउट सिक्स इमोशनल डेविल्स विच ही शुड अवॉइड एंड एंश्योर दैट हिज कैबिनेट मेंबर्स आल्सो अवॉइड। उसने छह राक्षसों के बारे में बताया था कि जो कि आपके मानसिक रूप से आपको इमोशनल कर सकते हैं। तो ही मेक्स हिज एम्प्लॉय क्लियर दैट टाइम्स सिक्स इमोशनल डेविल्स डू नॉट अलाउ अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग इन एनी ऑपरेशन। अगर ये आप में छह इमोशनल वीकनेस होती हैं तो आप कोई भी डिसीजन है वो प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं। द इमोशनल डेविल्स आइडेंटिफाइड बाई कौटिल्या आर कामा, दैट मीन्स लस्ट, क्रोध यानी कि एंगर, लोभ यानी कि ग्रीड लालच, मन वैनिटी, मद हॉटिनेस एंड हर्ष, दैट मीन्स ओवर जॉय। तो ये आपके जो इमोशनल डेविल्स हैं, मन की स्थितियां हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, उनको हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए। हैविंग लुक्ड एट द की एरियाज ऑफ एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कौटिल्या लुक्स एट एक्सटर्नल रियलिटीज दैट द गवर्नमेंट मशीनरी वुड फेस। ही स्टार्ट्स सिस्टमेटिकली स्टडिंग व्हाट ही कॉल्स द एसेंशियल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, जिनके बारे में जो कि इसेंशियल चीजें हैं उनके बारे में उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया। He identified the essentials as the territory of the kingdom, the population of the kingdom, the organization through which the kingdom is being run, and last but not the least, the unity within the kingdom. उसने बताया कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी पॉपुलेशन है उसके थ्रू चलती है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है जिसके थ्रू वो चल रही है, इसलिए उनको आप हमेशा यूनिटी में रखें। अकॉर्डिंग टू कौटिल्या द एसेंशियल्स ऑफ द स्टेट शुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द स्टेट आइडेंटिफाइंग बाय हिम। उसने ये भी बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूट अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है अपने स्टेट को हमेशा उसे फॉलो करना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी को उसे फॉलो करना है, ना कि वो उन्हें छोड़ दें। These constituents are Swami, Amatya, Janpad, Durg, Kas, Bala and Mitra. ये सारी चीजें हैं कि जो आपके आपके constituents होने चाहिए किसी भी
मैनेजमेंट के या फिर किसी भी स्टेट के, तो उसमें है किंग, प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलेटेड टेरिटरी जहाँ तक आपकी बाउंड्री है, दुर्ग जो आपका किला है, फोर्ट, किसा जो आपका ट्रेजरी है, दैट मीन्स आपके पास कितना धन है, बल यानी कि आपके पास कितनी फोर्स है या आर्मी है, एंड मित्र दैट मीन्स अलाई यानी कि आपके पास कितने दोस्त हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। इट चॉइस ऑफ मित्र एज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द स्टेट इज इंटरेस्टिंग। ही थिंक्स ऑफ ए नेटवर्क ऑफ एलीज टू फोर्टिफाई ए किंगडम। मित्र इज ए किंग हु वुड कम टू द सपोर्ट ऑफ स्वामी। उसने कहा कि आपके ऐसे मित्र भी होने चाहिए जो आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हों। इफ स्वामीज किंगडम इज अटैक्ड बाय अनदर किंग, इट विल आल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द स्वामी टू एक्सटेंड ऑल हेल्प इफ द मित्र इज अटैक्ड बाय द अनदर किंग। तो जैसे ही अगर स्वामी के ऊपर कोई हमला करता है तो उसका मित्र है वो उसकी हेल्प करेगा, और अगर उसके मित्र के ऊपर कोई हमला करता है तो वो उसकी स्वामी की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने मित्र की मदद करेगा। इट विल ऑल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द स्वामी टू एक्सटेंड ऑल द हेल्प टू मित्र इज अटैक्ड बाई अनदर किंग। इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड व्हेन कॉर्पोरेट्स फ्रॉम अलायंसेज टू फोर्टिफाई देयर टेरिटरीज फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर सच एज चीप इम्पोर्टर एंड द एंट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर। तो उस टाइम हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए हमारे अलायंसेज जो हैं वो हमारे काम आते हैं, उनकी हेल्प से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से कौटिल्य ने अपनी बहुत सारी बातें बताई जिनके बारे में उसने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। अपने इंटेलिजेंसी को उसने बताया कि आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, आप में बात करते टाइम एक चतुरता होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए पॉलिटिक्स का, आपकी में मॉरल ड्यूटीज मॉरलिटी जो है आपकी वो होनी चाहिए, आप में कोई भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड कराने की रेडीनेस होनी चाहिए कि मैं ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो उसने इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अपने मैनेजमेंट की सारी के अपने अर्थशास्त्र के अंदर लिखी हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। तो उसकी वजह से कौटिल्य का जो राजा था चंद्रगुप्त वो बहुत ही स्ट्रांग रहा था और उन्होंने काफ़ी सारे राज्यों को डिफीट किया और उसके बाद उन्होंने अपना शासन है वो बहुत अच्छे से चलाया जिसके अकॉर्डिंग आज भी उनको याद किया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि कौटिल्य ने कही थी अपने अर्थशास्त्र में। तो उनके अकॉर्डिंग कौटिल्य मेक्स सम रियली थॉट प्रोवाइडिंग ऑब्जर्वेशंस, वन लिस्ट देम बिलो एज पर्ल ऑफ विजडम फ्रॉम अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अगर कुछ मोती हैं तो वो यही हैं। फर्स्ट, नॉलेज, स्मॉल डिफरेंसेज इन एबिलिटी कैन लीड टू एनॉर्मस डिफरेंसेज इन रिजल्ट। कौटिल्य का यही मकसद था कि आप में अगर मैनेजमेंट करना है तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप काम करते हैं, आप किस तरह से काम करते हैं। तो आपकी थिंकिंग है वो हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, आपको हमेशा वर्ल्ड के बारे में क्रिएटिविटी के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से आप वर्ल्ड के सामने क्रिएटिविटी ला सकते हैं। सेकेंड, प्लानिंग, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप काम प्लान के थ्रू करेंगे, बाय फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हैं तो आप फेल के लिए ही प्लानिंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप 100% फेल होंगे। तो आपको कोई भी काम करना है तो आपको एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोसेस की आपको प्लान करना है, तो दैट मीन्स आपकी प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लीडरशिप के बारे में उसने कहा, ए ग्रेट लीडर हैज एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड एक्ट बोल्डली इन द फेस ऑफ सेटबैक एंड एडवर्सिटी। आप में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तो आप अच्छे डिसीजंस लेते हैं, बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। जब आपकी सिचुएशंस हैं वो आपके फेवर में नहीं होती हैं तब आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी है वो आपके सामने आती है कि किस तरह से आप अच्छे डिसीजन लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। सक्सेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ सक्सेस इज एनी वेंचर इज प्रैग्मेटिज्म। डू नॉट आस्क वेयर द न्यू आइडियाज कम फ्रॉम और हु
thought of it first. Ask only one question. Does it work? कुछ भी आपको काम करना है तो ये ना सोचें कि ये कहां से आया, कौन करेगा, क्या होगा. सिर्फ अपने आप से ये पूछें कि क्या ये काम करेगा. That means I will get the success or not. There are certain basic universal rules. They do not change. Ignorance of these laws is not excuse. So that means frustration and failure, underachievement, ये सारे penalties हैं उन लोगों को violation करने की. Success needs action. And action needs initiative. For sustaining success, initiative to collect feedback is important. Feedback allows you to take corrective actions while sustaining success. तो आप कोई भी अगर काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक इनिशिएटिव लेना होगा. इनिशिएटिव के लिए आपको एक फीडबैक की रिक्वायरमेंट होगी. आप क्या इनिशिएटिव लेना चाहते हैं. इनिशिएटिव लोगे तभी आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो और एक्शन लोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी. तो ये सिंपल सी थ्योरी है कि आपको एक इनिशिएटिव या एक फीडबैक के थ्रू आपको काम करना ही होगा और कभी भी बिना एक्शन के आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है. फॉर एवरी इफेक्ट देयर इज ए स्पेशल कॉज. सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट. आपको कभी भी सक्सेस है वो एक्सीडेंटली नहीं मिल सकती. सक्सेस इज नॉट बेस्ड ऑन चांस. सक्सेस आपको बाई चांस भी नहीं मिलेगी. सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ लक. सक्सेस कभी भी आपको किस्मत से नहीं मिलती. सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ वेल थॉट आउट एक्शन. आपके अच्छे विचारों का नतीजा भी सक्सेस नहीं है. तो दैट मीन्स सक्सेस कब मिलेगी आपको. सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप इनिशिएटिव लेंगे और उसके बाद आप उन इनिशिएटिव के ऊपर एक्शंस लेते हैं. कंक्लूजन ऑफ द मैनेजमेंट थिंकर कौटिल्य. अर्थशास्त्र रिटन इन द 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इज अ बुक हुज रिलेवेंस हैज नॉट फेडेड इवन आफ्टर 24 सेंचुरी हैव गॉन. अर्थशास्त्र इज द एविडेंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपिटल इंडिया पजेस्ड इन इट्स ग्लोरियस पास्ट. We have the tradition of the past. We need the attitude for respecting and recreating the intellectual capital for the future. So Kautilya ne hame ek aisa arthashastra ka granth diya hai jo ki puri duniya mein hame proud feel karne ke liye sufficient hai. Before Christ 4th century mein usne likha aur aaj 24th century complete hone ke baad bhi उसके ग्रंथ की या उसके अर्थशास्त्र की आज भी वही वैल्यू है जो उसने उस टाइम लिखी थी. तो इसीलिए कौटिल्य को मैनेजमेंट के टाइम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो उम्मीद है कौटिल्य के बारे में जान के आपको अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा. तो अब इन चीज़ों को आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी. थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर.